दुनिया भर में फैलने वाला ओमिक्रॉन अब पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ रहा है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जनवरी के वस्त में केसेस बढ़ सकते हैं, जबकि फरवरी और मार्च में ये अपनी पीक पर होंगे। अब तक होने वाली तहकीकात के मुताबिक ओमिक्रॉन का फैलाव डेल्टा या इंडियन वेरिएंट से भी ज्यादा तेज है और ये इन्फेक्शन भी ज्यादा कर सकता है। तहकीक से पता चला है कि अब तक इस वेरिएंट से नौजवान तबका ज्यादा मुतासिर है। माहिरीन के मुताबिक बूढ़े अफराद ने ज्यादातर वैक्सीनेशन करवा रखी है, जिसके बाइस ये वेरिएंट इन पर कम असर कर रहा है। वैक्सीनेशन की अफादियत देखते हुए NCOC ने आइंदा माह के वस्त से 30 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान के साबिक मावन खसूसी ब्राय सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक इस नए वेरिएंट के केसेस पीक पर पहुंचने के बाद हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन या फिर मुकम्मल लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले भी करना पड़ सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ओमिक्रॉन की अलामत में सर्दी के साथ बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, पट्ठों या जिस्म में दर्द, जायके और सूंघने की हिस खत्म हो जाना, मतली, उल्टी और इसहाल शामिल हैं। अगर आपने कोरोना की इस नई किस्म से बचना है तो एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। याद रखें कि इस मर्ज का वाहिद इलाज वैक्सीनेशन ही है।